इरफान सुधर जाओ, वरना पूरे झारखंड से हिंदू सेना, राम की सेना और बजरंगी तुम्हें जामताड़ा में आकर के। बजरंग दल क्या है? बजरंग दल जिसके लिए तुम हाहाकार मचा हुआ है, क्या है बजरंग दल? बैन लगेगा इस पर, कानून हाथ में नहीं देंगे। और ये जो कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी, अपने नेताओं को सुधारो। देखिए कांग्रेस पार्टी के द्वारा विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादियों का संगठन कहा जा रहा है। भगवान राम के भक्तों को, हनुमान के भक्तों को आतंकवादी कहा जाता जा रहा है कांग्रेस की ओर। इसलिए आज हम सभी राम भक्तों ने, हनुमान भक्तों ने देश के विभिन्न संकट मोचक हनुमान मंदिर में हम लोगों ने इनकी सद्बुद्धि के लिए हनुमान चालीसा का पाठ किया है, हनुमंत जन जागरण का पाठ किया है, सामूहिक हनुमान चालीसा का हम लोगों ने पाठ किया है, ताकि भगवान वीर बजरंग बली कांग्रेस पार्टी को सद्बुद्धि दे कि वह बजरंग दल को, जो उन्होंने आतंकवादियों के संगठन से कंपेयर किया, और एक झारखंड के पप्पू है इरफान अंसारी, मैं इरफान अंसारी को चेतावनी भरे लहजे में कहना चाहता हूं, इरफान सुधर जाओ, वरना पूरे झारखंड से हिंदू सेना, राम की सेना और बजरंगी तुम्हें जामताड़ा में आकर के अनर्गल बयानबाजी करना इरफान बंद कर दो। और ये जो कांग्रेस के पप्पू राहुल गांधी, अपने नेताओं को सुधारो। पीएफआई की तुलना करते हो, बजरंग दल पे बैन लगाने का काम करते हो, बजरंग दल को आप छू नहीं सकते, साक्षात हनुमान जी बजरंग दल की संरक्षण कर रहे हैं। भगवान हनुमान जी का हनुमान चालीसा पाठ किया है और आरती का गायन किया है, ताकि देश की खुशहाली आए, देश में समृद्धि आए, देश का और उत्थान हो और देश विकास के राह पर और तेज गति से बढ़े। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।